देखो ये ISI BMaths कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है 2014 का। कहता है लेट जेवन जेड टू बी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। मॉड ऑफ जेड वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, ये आपको गिवन दे रखा है, ठीक है। पहले इसका यूज कर लेते हैं। आप देखो मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन माइनस मॉड ऑफ जेड टू, इसका लिखो तो अंडर रूट मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स मॉड ऑफ जेड वन मॉड ऑफ जेड टू कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर माइनस टू टाइम्स मॉड ऑफ जेड वन मॉड ऑफ जेड टू कॉस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर से मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर से मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर, और ये देखो प्लस है और ये माइनस है, इधर लेकर आ जाओ तो फोर टाइम्स मॉड ऑफ जेड वन मॉड ऑफ जेड टू कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। देखो जेड वन जेड टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, मतलब ये जीरो नहीं होगा तो इसको जीरो होना होगा, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो क्या है, जेड वन जेड टू आपस में 90 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसे वेक्टोरियली कैसे सॉल्व करते हैं। ये मान लो वाई एक्सिस है, ये देखो एक्स एक्सिस है, ठीक है। ध्यान से देखना, हमने सहूलियत के लिए 90 डिग्री तो कहीं पे भी बना के सबटेंड करा दे, हमने एक्स एक्सिस के अलोंग जेड वन माना, ये जेड वन पॉइंट है हमारा और ये जेड टू है, ठीक है। ये ओरिजिन आपका है, ठीक है। ओ देखो जेड वन जो वेक्टर है, जेड टू वेक्टर है इस डायरेक्शन में, जेड टू जेड वन वेक्टर है इस डायरेक्शन में, देखो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन कहता है द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद द पॉइंट्स जेड वन जेड टू एंड द ओरिजिन इस पॉइंट का मिला करके जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे उसका सर्कम सेंटर कहाँ लाई करेगा, उसका वर्टिसेस बताना है, उस सर्कम सेंटर बताना है कहां पे वो लाई करेगा सर्कम सेंटर। इन तीनों वर्टिसेस यूज करके जो ट्रायंगल बनेगा और इससे जो सर्कम सर्कल बनेगा उसका सेंटर बताना है। आप देखो ये है सर्कल, ठीक है। देखो अब आप देखो, आप जानते हो डायमीटर इज द ओनली कॉर्ड विच सबटेन 90 डिग्री एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो ये डायमीटर का काम किया, ठीक है। ये आपका डायमीटर हो गया, ठीक है, ये लाइन डायमीटर है। अब वेक्टोरली देखो ये जेड टू है तो ये वाला जो वेक्टर होगा ये जेड वन है, अब ट्रायंगुलर लॉ में करोगे तो ये जो वेक्टर मिलेगा आपको जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है, जेड टू माइनस जेड वन मिलेगा, ठीक है, ये वेक्टर जो आपका मिलेगा। अब आप देखो इसके सेंटर पॉइंट पे लाई कर रहा है, ये आपके इसे सेंटर पॉइंट पे लाई कर रहा है तो ये आपका सेंटर होगा जो कि सर्कम सेंटर होगा, ये सर्कम सेंटर है, ये लाइन डायमीटर है और ये सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर का जो पोजिशन होगा वो क्या होगा, इस वाले ये हमारा सर्कम सेंटर का पोजिशन होगा और यही पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई कर देंगे वेक्टर एडिशन का, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये पूरा जेड टू माइनस जेड वन है तो जानते हैं सेंटर हाफ पार्ट में डिवाइड करता है तो ये कितना हो जाएगा जेड टू माइनस जेड वन बाई टू, ठीक है। अब ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर यही हमें रिजल्ट चाहिए तो क्या हो जाएगा जेड वन ये वेक्टर प्लस जेड टू माइनस जेड वन बाई टू, इसको सॉल्व करते हैं, टू जेड वन प्लस जेड टू माइनस जेड वन बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू जेड वन प्लस जेड टू, ये हमें देखो सर्कम सेंटर का पोजिशन मिल गया तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हाफ ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, ठीक है। ये आप अच्छे से इसे दिमाग में देख लीजिएगा, इतना अच्छा सॉल्यूशन हमने ग्राफिकली सिर्फ आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली हमने लिया, उसके बाद हमने ग्राफ से इसका पूरा क्वेश्चन डिकोड करके और फाइनली हम आपको रिजल्ट बता दिया।